केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस स्कीम को ऐलान किया गया है। इस नई स्कीम को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। अब सरकारी कर्मचारियों को पेंशन पाने के लिए यूपीएस और न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में से किसी एक ऑप्शन को चुनना होगा। यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारी के 25 साल नौकरी करने पर रिटायर होने के बाद उसकी पिछले 12 महीने की बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इस स्कीम में अस्योर्ड पेंशन का प्रावधान है। अगर कोई कर्मचारी 10 साल नौकरी करता है तो उसे कम से कम 10,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। अगर रिटायर होने के बाद कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसकी पेंशन का 60% हिस्सा परिजनों को मिलेगा। यूपीएस में रिटायरमेंट पर एकमुश्त ग्रेजुटी से अलग यानी रकम भी दी जाएगी। इसकी कैलकुलेशन कर्मचारी के हर 6 महीने की सर्विस पर बेसिक पे और महंगाई भत्ते यानी डीए के 10वें हिस्से के तौर पर किया जाए। अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं और न्यू पेंशन स्कीम की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऑप्शन चुनते हैं और आपके अंतिम 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी 40,000 रुपये है तो यूपीएस के तहत रिटायरमेंट के बाद हर महीने आपको 20,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसकी पेंशन 20,000 रुपये मंथली रहती है तो फैमिली को पेंशन 12,000 रुपये मिलेगी। एनपीएस और यूपीएस के बीच सबसे बड़ा फर्क यह है कि यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों को एक निर्धारित पेंशन मिलना तय है जबकि एनपीएस के तहत ऐसा नहीं था। दरअसल केंद्र सरकार देश की पेंशन नीतियों में सुधार करने के लिए 1 जनवरी 2004 को न्यू पेंशन स्कीम लाई थी। ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों की पेंशन उनकी आखिरी तनख्वाह का 50% निर्धारित थी। साथ ही इसके महंगाई भत्ते भी शामिल हुआ करते थे। इसमें समस्या यह थी कि पेंशन से जुड़ा हुआ कोई फंड नहीं था यानी हर साल सरकार का कर्ज बढ़ता ही चला जाता था। सरकार इसी समस्या से निपटने के लिए न्यू पेंशन स्कीम लेकर आई है। एनपीएस में सबसे पहले तो सुनिश्चित पेंशन की शर्त खत्म कर दी गई है। दूसरा बड़ा बदलाव यह हुआ है कि अब कर्मचारी अपनी पेंशन में खुद 10% योगदान देते थे और सरकार भी उनके बराबर योगदान देती थी। 2019 से इसे बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। ऐसे में ये सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा साबित हो सकता है और आने वाले समय में जो सरकारी कर्मचारी रिटायर होंगे उनके लिए एक खुशखबरी हो सकती है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज़ स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।